स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फिटनेस साइट्स पर, जहां हम आपसे बात करते हैं कि कैसे आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नींद कैसे जरूरी है, कितनी जरूरी है एक हेल्थी ब्रेन के लिए और एक हेल्थी बॉडी के लिए। सभी फिटनेस कोर्स जैसे कि मसल बिल्डिंग, फैट लॉस डायरेक्ट डिपेंड करते हैं आपकी स्लीप क्वालिटी पर। अगर आपको दिन भर काफी थकान रहती है और लेजी फील होता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आजकल के बिजी रूटीन में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल का बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू उनको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी या फिर दिन भर थका हुआ फील करना, टायर्डनेस। अगर आप सभी लोग उनमें से हैं जो कि 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको दिन भर काफी थकावट फील हो रही है, तो इसका रीजन हो सकता है कि आप अपने सोने में कोई एक गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिन भर काफी थकान महसूस हो रही है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप एक हेल्दी और एक एक्टिव लाइफस्टाइल क्रिएट कर सके, और आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो कि आपको लो फील कराता है। आइए वीडियो में जानते हैं कि हम ऐसी कौन कौन सी बस मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी पुअर होती है और इसके पीछे का राज क्या है। सबसे पहली मिस्टेक है हमारी इरेगुलर टाइमिंग ऑफ स्लीपिंग, यानी कि रोज अलग अलग टाइम पर सोना। डेली अलग अलग टाइम पर सोने से हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक डिस्टर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से हमें गहरी नींद देने में परेशानी होती है, जो कि डायरेक्ट डिपेंड करती है हमारे मूड पर, हमारी भूख पर और हमारे बहुत सारे हार्ट की फंक्शंस पर। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि आप एक टाइम पर सोएं और एक टाइम पर उठें, यानी कि कहने का मतलब इतना सा है कि आप अपना एक टाइम सेट कर लें कि आपको इस टाइम सोना है और आपको इस टाइम उठना है, जिससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि टायर्डनेस और लो प्रोडक्टिविटी की जैसी परेशानी दूर हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है जो हमारे सोने के लिए बेस्ट माना जाता है। कुदरत ने हमें 9 से लेकर 5 तक की टाइमिंग बेस्ट है, कुदरत के हिसाब से हमें इसी के बीच में सोना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग लेट नाइट सोते हैं फिर आफ्टरनून तक सोते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको अगले रात नींद देर से आती है। ये भी एक रीजन हो सकता है आपके टायर्डनेस का। एक बार आप मेरे कहने से अपनी सोने की टाइमिंग और उठने की टाइमिंग सेट कर लें, फिर देखें कि नेक्स्ट डे आपको कितना एनर्जी फील होता है। अगर उसके बाद भी आपको लो एनर्जी फील हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आफ्टरनून में 20 to 30 मिनट्स की नींद ले लें, जिससे कि आपको दोबारा आपकी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको काफी हेल्दी फील होगा। सेकंड मिस्टेक है हमारी रॉन्ग पोस्चर फॉर स्लीपिंग, यानी कि आप गलत तरीके से सो रहे हैं। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग पोजिशन में सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो फेटल पोजिशन में सोते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फेटल पोजिशन किसे कहते हैं। मैंने ऊपर आपको शो कर दिया कि फेटल पोजीशन इसे कहते हैं, और इस पोजीशन में सोने से हमारी लो प्रोडक्टिविटी होती है और हमें थकावट महसूस होती है। फेटल पोजीशन में सोने से हमारी नेक और हमारे मसल्स पर अननेसेसरी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हम अगले दिन थकावट महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग फेस डाउन पोजीशन में सोते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको दिखाया है। इसका भी रीजन होता है कि इससे हमारा पेट बड़ा हो जाता है और इससे भी हमें टायर्डनेस फील होती है। थर्ड है हमारा रैपिड अप पोजीशन, जैसे कि ऊपर मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, इससे हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फोर्थ हमारा रॉन्ग पोस्चर हो सकता है, हेड ऑन आर्म रोटेशन, जिससे कि हमारे हार्ट के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। आइए जान लेते हैं कि बेस्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए स्लीप की। जनरली लेफ्ट साइड को सोना बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हमारा लीवर भी ओवरलोड नहीं होता। हमारे हार्ट के बहुत सारे फंक्शंस को आसानी होती है अपने फंक्शंस को करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इंटेस्टाइन भी क्लीन हो जाती है इजिली। लेफ्ट साइड से सोने के बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी हैं, जैसे कि इससे आपको एसिडिटी नहीं होती। थर्ड बस मिस्टेक है हमारी प्लेइंग विद स्नूज बटन, यानी कि अलार्म को बार बार शिफ्ट करते रहना, 5 मिनट आगे बढ़ा देना, फिर 5 मिनट आगे बढ़ा देना, इस तरह से इनके साथ खेलना। हम जितनी भी नींद ले लें फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। एक्चुअली अलार्म से हम थक कर दोबारा से सो जाते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन डिसमिस हो जाता है और हमें थकावट फील होती है। इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है। असल में जब हम लोग अपना अलार्म दोबारा से सेट कर देते हैं, 5 मिनट आगे का या 10 मिनट आगे का, तो उससे हमारी नींद दोबारा से गहरी हो जाती है, लेकिन टाइम हमारे पास 5 से या 10 मिनट का होता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा उठना पड़ता है और हमें प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी जो इंटरनल क्लॉक होती है वो भी डिस्टर्ब रहने लगती है। जनरली हमारी जो बॉडी होती है वो एक फिक्स टाइम पर एडजस्ट हो जाती है, तो यानी कि कहने का मतलब इतना सा है कि आप लोग अपना एक रूल बना लें कि आप लोग पहले ही अलार्म पर उठ जाएं,
बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि जिनको 2 से 3 कप चाय लेने की हैबिट होती है या कॉफी लेने की हैबिट हो जाती है, उनको नींद लेने में प्रॉब्लम होती है। स्पेशली वो लोग जो बहुत ज्यादा कॉफी का यूज करते हैं, उन्हें 8 घंटे पहले ही इन चीजों को बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोने से पहले अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और बीच रात में उनकी आंख खुल जाती है। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती। यहाँ तक कि अगर हम सोने से पहले ज्यादा खाकर सोएं या फिर भूखे सोएं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग सोने से पहले काफी ज्यादा पानी ले लेते हैं या फिर बिल्कुल प्यासे सो जाते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है आपकी पोअर स्लीप का। नो डाउट एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको डेली करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के बाद आते ही सो जाते हैं तो ये काफी सारी स्टडीज ये चीज प्रूव कर चुकी है कि आपको नींद लेने में परेशानी होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सोने से 4 से 5 घंटे पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट कर दें। नो डाउट एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि हमें रिलैक्स फील कराता है। फिफ्थ, ये पॉइंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉमन भी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए पॉइंट जान लेते हैं। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करना, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि सोने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी हम इन आदतों को नहीं छोड़ते। टीवी, फोन या फिर किसी भी लैपटॉप का यूज करने की वजह से हमारी आईज पर एक हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है और हमारी नींद बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि सोने से कम 1 घंटा पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बंद कर रख दें। फ्रेंड्स, ये थी हमारी 5 वर्स्ट हैबिट जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आइए जान लेते हैं 4 टिप्स जो आपको क्वालिटी स्लीप देने में हेल्प करेगी। आइए जान लेते हैं फर्स्ट टिप के बारे में जो कि है क्रिएट ऑप्टिमल एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपको बेहतरीन नींद देने में हेल्प करेगी। कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपको सोने से पहले लूज कॉटन के क्लॉथ्स पहनकर सोने हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग टाइट जीन्स पहनते हैं, टाइट टी शर्ट्स पहनते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं ले पाती। अगर हम कॉटन का क्लॉथ पहनकर सोएंगे तो वो बाकी कपड़ों के कंपैरिजन में हमें अच्छा फील कराता है। साथ ही साथ दूसरी टिप ये है कि आप सोते टाइम अपने रूम का टेम्परेचर अच्छा रखें, यानी कि अगर आप एसी का यूज करते हैं तो आप 20-24 टेम्परेचर पर सोएं। सेकंड टिप है बिफोर बेड फुट मसाज, यानी कि पैरों के तले के अच्छे से मसाज करना। ये एक सिंपल टेक्निक है जो कि हमें अच्छी नींद दिलाने में हेल्प करती है। आपको सोने से पहले अपने पैरों पर सरसों के तेल की अच्छे से मसाज करनी है, आपको उसके बाद नींद लेनी है। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनको स्टिकी फील होता है, यानी कि उन्हें चिपचिपा लगता है, इसकी वजह से वो लोग रात में सरसों का तेल नहीं लगा सकते। तो वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वो लोग अपने पैरों को धोकर सोएं। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे पैरों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से। अगर हम अपने पैरों की अच्छे से मसाज करेंगे तो उससे हमारा ब्रेन शांत रहेगा और हमें ज्यादा अच्छी नींद आने के चांसेस हैं। थर्ड टिप है हमारी प्रॉपर बेड टाइमिंग रूटीन, यानी कि आपका प्रॉपर टाइमिंग होने चाहिए स्लीप की, कि आप अच्छी नींद ले सके। बहुत सारी स्टडीज ऐसा प्रूफ कर चुकी हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को कूल रखेंगे, अगर हम नहाकर सोते हैं या फिर अपने पैरों को धोकर सोते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छी स्लीप आने के चांसेस हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसा कहती हैं कि अगर हम रात को सोने से पहले बुक्स रीड करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी नींद आएगी, नहाकर सोएंगे तो ज्यादा अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर आप मुझसे बात करें कि मेरा अपना पर्सनल सजेशन क्या है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना कल का रूटीन लिख सकते हैं कि कल को आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज से करना है, किस टाइम करना है। कहने का मतलब इतना सा है कि आप अपने सारे पेंडिंग टास्क लिख सकते हैं। इस लास्ट पॉइंट के साथ हमारी वीडियो यही एंड होती है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए हेल्थ और फिटनेस की वीडियोस बनाता रहूंगा, इसी तरह आप लोगों के सामने आता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।